Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is the case of Romesh Thapar versus State of Madras. We will start this video lecture by elaborating the facts of the case. Furthermore, we will discuss the issues involved, followed up with the arguments that were made by both the counsels. Then we will look at the verdict and it will be followed up with our own case summary. So now without further ado, let's look into the PPT. So now as you guys can see, we have jumped into the PPT of Romesh Thapar versus State of Madras, AIR 1950 SC 124. सबसे पहले जो है हम इस केस के फैक्ट्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो रोमेश थापर हैं, वो एक एडिटर थे इन अ पब्लिशर जो कि इंग्लिश में आती थी एंड विच वाज वीकली जर्नल नेम्ड क्रॉसरोड्स। प्राइमरीली इनका पूरा का पूरा जो कामकाज है पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस जर्नल्स वाज लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ बॉम्बे। लेटर ऑन उन्हें इनका अपना ये जो बिजनेस है जर्नल का उसे एक्सपांड करना था। सो ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस जर्नल्स इन द स्टेट ऑफ मद्रास। बट जैसे ही उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, अपना बिजनेस को एक्सपांड करना शुरू किया, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने अंडर सेक्शन 9 सब क्लॉज 1-A ऑफ मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 के अंडर में 1st मार्च 1950 को एक ऑर्डर इशू किया स्टेटिंग अ बैन ऑन दिस पर्टिकुलर जर्नल नेम क्रॉसरोड्स विथ साइटिंग कि ये पर्टिकुलर चीज को बैन करने का रीजन ये है जस्ट सो दैट वी कैन मेंटेन द सेफ पब्लिक सेफ्टी एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इस चीज के सामने रोमेश थापर जी ने जो है केस फाइल किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट फर्स्टली गोइंग टू द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। उन्होंने वहां पे जाके आर्ग्यू किया दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर वाज अ कंप्लीट वायोलेशन ऑफ माय आर्टिकल 19(1)(a) दैट स्टेट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फर्दर मोर दे हैव आल्सो स्टेटेड दैट कि हमें किसी भी प्रकार की कोई वैलिड रीजनिंग नहीं दी गई थी। डायरेक्टली उन्होंने आके ये बोल दिया जस्ट टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक सेफ्टी वी आर बैनिंग योर जर्नल। लेटर ऑन ही आल्सो चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द सेक्शन ऑफ मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 स्टेटिंग दैट इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर में जो मेरा जर्नल बैन हुआ है That is also in violation of Article 13(1)(a) of the Constitution of India, which states that any law which is in violation of fundamental right is void ab initio. So therefore, he challenged the constitutional validity of Section 9(1)(a). ठीक है? अभी समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो इन्वॉल्व्ड थे। सबसे पहला इशू था वेदर द पिटिशनर हैज द राइट टू डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विदाउट अप्रोचिंग द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट फर्स्ट अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइमरी इशू वॉज कि क्या रोमेश थापर जी का डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना अंडर आर्टिकल 32 वॉज अ राइट डिसीजन या फिर उन्हें कंसर्न्ड हाईकोर्ट को अप्रोच करना चाहिए था अंडर आर्टिकल 226। दूसरा इशू ये था दैट वेदर द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास अंडर सेक्शन 9(1)(a) ऑफ द मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 कॉन्ट्रारी टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पिटिशनर टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि जो उन्हें आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर ग्रांट किए गए हैं और डज द एक्ट फॉल विद इन द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द राइट स्टेटेड अबव अंडर द आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे एक और क्वेश्चन उन्होंने यहां पे ये अराइज किया दैट आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर में जो हमें राइट्स दिए गए हैं
क्या ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो था अंडर सेक्शन 91 ऑफ मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949, क्या उसके कॉन्ट्रारी में था? या तो फिर द ऑर्डर वॉज पास्ड बाय फॉलोइंग द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन वॉज वेदर द सेक्शन 91 ऑफ द मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 इज वॉइड अंडर द आर्टिकल 13(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डिक्लेयर्स एनी सच लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द फंडामेंटल राइट्स, सिंस इट वायोलेटेड द पिटिशनर्स फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कि क्या ये पर्टिकुलर जो प्रोविजन ऑफ लॉ है क्या ये वैलिड है या इनवैलिड, ये जो था एक थर्ड इशू था, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं पिटिशनर्स की आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या थी इस केस के अंदर। बिफोर वी मूव एनी फर्दर लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ आवर वेबसाइट judicialdream.com। एज यू कैन सी दिस इज द होम पेज, ओके। हियर यू कैन फाइंड लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ ग्रामर, जजमेंट राइटिंग, एसे राइटिंग, ओके, एज वेल एज यू विल फाइंड सर्टन मॉडल आंसर्स। लेट्स से दिस इज फॉर द डैम नम सिने इंजूरिया विच वी हैव कवर्ड इन द वीडियो सीरीज, ऑल राइट। सो हियर यू विल फाइंड द इंट्रोडक्शन एंड मैनी अदर थिंग्स, ओके। देन इफ यू हैव टू गो फॉर अ मॉक टेस्ट यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द प्रिलिम्स और द मेन्स। लेट्स से वी जस्ट वॉन्ट टू क्लिक ऑन प्रिलिम्स सब्जेक्ट वाइज MCQ, दैट इज कॉमन इंटेंशन। So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. सबसे पहली argument. यहाँ पे सबसे पहले petitioners ने ये argue किया था that जो order pass किया गया है for banning the entry, publication and circulation of Crossroads Journal in the state of Madras, it is in absolute violation of राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) कि हमारे पास जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया है दैट वी कैन टॉक फ्रीली सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(2) कि उस चीज के अगेंस्ट में हमने ऐसा कोई भी एक्ट नहीं किया था, हमने आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को वायोलेट ही नहीं किया था, जो भी चीज हमने लिखी थी जर्नल के अंदर दैट इज एब्सोल्युटली लीगल एंड वहां पे किसी भी प्रकार का वायोलेशन नहीं था। फिर भी पर्टिकुलर बैन को इम्पोज करके मद्रास गवर्नमेंट ने जो है हमारा आर्टिकल 19(1)(a) उसे वायोलेट किया है। उनका सेकेंड आर्ग्यूमेंट ये था दैट कि जो सेक्शन 9(1)(a) ऑफ द मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 था दैट इज इन एब्सोल्यूट वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 13(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट अल्टीमेटली वायोलेटेड द आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द पिटिशनर्स। एंड जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो कोई भी लॉ या प्रोविजन या अमेंडमेंट आर्टिकल 13 को वायोलेट करता है अल्टीमेटली स्टेटिंग कि वो किसी भी एक फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है देन अंडर आर्टिकल 13 इट शुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड एब इनिशियो और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि जिससे उसकी इफेक्ट को जो है बंद कर दिया जाए। ये थी पिटिशनर की सेकेंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं रेस्पोंडेंट्स के आर्ग्यूमेंट के अंदर कि जहां पे एडवोकेट जनरल ऑफ मद्रास ने आर्ग्यू किया था फ्रॉम द रेस्पोंडेंट साइड, उनका फर्स्ट एंड प्राइमरीली क्वेश्चन ये था पिटिशनर को कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय आप पहले हाईकोर्ट आइए because it is a set process of law that you have to exhaust first your all of your remedies to approach the supreme court, theek hai। later on he also stated the article 435 of the criminal procedure code ki jahan pe kisi bhi prakar ke aise cases ke liye and also section 24 of civil procedure code jahan pe unhone bola tha that it is a set process of law by which a petitioner should first proceed to a court of lower grade before resorting to a high court, ठीक है। प्लस
उन्होंने एम्परर वर्सेस बिश्वर प्रसाद सिन्हा के केस का भी रेफरेंस लिया था, विच वॉज अ क्रिमिनल रिविजन केस जस्ट लाइक दिस, कि जहां पे मैटर सबसे पहले हाईकोर्ट के अंदर चली थी, नॉट डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। फर्दर मोर उन्होंने दो अमेरिकन केसेस के ऊपर भी रिलाई किया था। फर्स्ट वॉज उर्कवाद वर्सेस ब्राउन एंड हूनी वर्सेस कोलोहन, कि जहां पे ऐसी कोई भी रिट पिटिशन होती थी, लेट दैट बी हेबियस कॉर्पस और सर्श्योररी, टू रीच द सुप्रीम कोर्ट आपको नीचे के जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी लोअर ग्रेड के कोर्ट्स हैं, उनकी जो रेमेडीज है वो पहले आपको एग्जॉस्ट करनी पड़ेगी, आपको यूज करनी पड़ेगी, देन एंड देन ओनली ही जो है आप सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हो टू सीक द ऑल्टरनेटिव रेमेडी और द अवेलेबल रेमेडी, उसके बगैर आप नहीं आ सकते हैं। ठीक है, वर्डिक्ट कि जहां पे द मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट का जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट था, दैट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट वाज आल्सो स्टेटेड दैट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ इज इन डायरेक्ट वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, दे ऑल्सो स्टेटेड दैट टू मेंटेन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी कुछ रिस्ट्रिक्शंस को जो है लाना जरूरी है, बिकॉज ये जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, अगर उसे गवर्नमेंट के हाथ में एब्सोल्युटली दे दिया जाए, तो लाइसेंस को ग्रांट करना या रिफ्यूज करना, दैट कुड लीड टू आर्बिट्ररी एंड डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन। फर्दर मोर दे ऑल्सो स्टेटेड दैट कि इस प्रकार के एक्ट को जो है या इस प्रकार के प्रोविजंस को जो है परमिसेबल नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन वेरी लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस। इस पर्टिकुलर जजमेंट के थ्रू, कि जहां पे 4:1 की मेजोरिटी से जो जजमेंट आया था, इट स्ट्रक डाउन अ बैलेंस बिटवीन व्हाट इज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फर्दर मोर दे ऑल्सो एडेड द मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। प्राइमरीली हमारे पास जो है तीन पिलर्स थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, बट आफ्टर दिस पर्टिकुलर केस उसमें मीडिया का भी एक डोमिनेंट रोल जो है वो आइडेंटिफाई किया गया था एंड उसे रिकग्नाइज भी किया गया था, दैट उनको भी डेमोक्रेसी का एक फोर्थ पिलर माना जाए। ठीक है, केस समरी, रोमेश थापर वाला जो केस है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए एंड स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी विच वॉज रिसेंटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, एक लैंडमार्क जजमेंट था, कि जहां पे फ्यूचर में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए काफी सारे नए लॉस को बनाने के लिए एंड कुछ नए लॉस को इनवैलिडेट करने के लिए भी इस पर्टिकुलर केस का यूज किया गया था, जहां पे लाइक आई मेंशन्ड बिफोर कि उसे एक मीडिया को एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है माना जाता है, कि जहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस एक एक्चुअल में एक कंसेप्ट है अंडर दी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ साथ उनके ऊपर कुछ रीजनेबलनेस, जो टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस है अंडर द आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट टू मस्ट बी एम्पोज्ड, बिकॉज एज वी नो कोई भी राइट जो होता है वो एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं होता है, ईच एंड एवरी राइट इज सब्जेक्ट टू सम अमाउंट ऑफ टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस एंड रिस्ट्रिक्शंस, अदरवाइज जो है वहां पे आर्बिट्रेरीनेस हमेशा होगी। ठीक है, सो बाय दिस स्लाइड आवर लेक्चर इज इफेक्टिवली ओवर। इफ यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज ड्रॉप अ कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। If you want to learn more out of these video lectures via descriptive answers,
देन यू कैन डेफिनेटली लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट judicialdream.com, वेर यू विल फाइंड डिस्क्रिप्टिव आंसर्स ऑफ केसेस लाइक दिस, एज वेल एज यू विल ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स ऑफ अदर प्रोविजन्स ऑफ लॉ फॉलोड अप विद देयर MCQs. सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.